नहीं नहीं क्या है? डाइवोर्स बिल जरूर पास हो जाएगा। क्या? तलाक का कानून जरूर पास हो जाएगा। तो जाओ सब के सब घी के दिए जलाओ, रात दिन औरतों की आजादी, मर्दों के जुल्म, इसके बिना और भी कुछ आता है तुम लोगों को? चिल्लाती क्यों, इधर मीटिंग हो रही है। अरे चूल्हे में जा तुम्हारी मीटिंग, मैं को किसी से डरती हूँ क्या? भगवान जाने क्या हो गया करता। जब देखो मीटिंग, जब देखो लेक्चर, सब पे सब अंग्रेज हो गए। गए महीने महिला यूनियन की हमारी इस कमेटी की तरफ से तलाक बिल पास कराने के लिए मैं एक डिपुटेशन ले गई थी। आप लोग तो जानती ही हैं ये तलाक बिल हमारी खुददारी, हमारे आत्मसम्मान के लिए कितना जरूरी है। हमारा समाज सिर्फ मर्दों का समाज, जिसमें औरत को पति के चरणों की दासी कहलाकर भी खुश रहना सिखाया जाता है। मैंने सुना है चेहरे की सुंदरता के लिए दूध की मलाई बहुत अच्छी होती, लेकिन मेरा ख्याल है संतरे का छिलका दूध की मलाई से भी ज्यादा मुफीद है। सुन ले, तो मर्दों ने हम पर बहुत सारे जुल्म किए। इसी देश में वो तीन तीन और चार चार शादियां करते थे, औरतें बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उस गुलामी का असर अब तक भी हमें बाकी। संतरे का छिलका ताजा लेकर गालों पे मसल देना चाहिए बस। संतरे का छिलका क्या, चिकनी मिट्टी उससे अच्छी है। रात को लेप लगाइए, सवेरे देख के चेहरा क्या निखरता है। तो इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए तलाक बिल का पास होना बहुत जरूरी है। पास हो जाएगा मैडम, जरूर पास हो जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम? ये देखिए। ओहो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा बाबा जानते हो मैं यहाँ कैसे? टिकट लेके आई होगी और क्या?
आंटी तो मुझे आने ही नहीं देती थी, मैं खिड़की कूद कर आ गई तुम्हारे लिए। अच्छा अनिता कहाँ है? रमेश से मिलने? क्या? फिर गई रमेश से मिलने? कौन कहता है कि वो रमेश से मिलने गई है? वो अपने कमरे में सो रही है। ये झूठ बोलती है मैडम। तुम जाके उसके कमरे में देखो। जी नहीं, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम कर लेने दीजिए। तेरा मुर्दा जा तेरा। जूता मेरा है, वो जूता ना दूसरा भी। नाक टूट गई क्या? सामने देखो ना मैच कितना अच्छा चल रहा है। तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई।
मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, कि हालत बदल बदल गई। प्यारे उसके पांव की दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पांव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। होगा उजाला के अब रात ढल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। और दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। रशा क्या क्या हम तो अभी बाकी है ना। अब देखो ना, अरे पानी ला पानी भाई। मैडम अनीता, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, उस हालत में तुम कहां गई थी? किसी खास जगह नहीं गई थी। शायद डॉक्टर के पास गई हो। जी जी हाँ, डॉक्टर ही के पास तो गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही कहा है कि मेरी सेहत के लिए जरा घूमना फिरना अच्छा है। और शायद टेनिस मैच देखना भी तुम्हारे लिए अच्छा है। जी टेनिस मैच? मैं टेनिस मैच देखने नहीं गई थी आंटी। लेकिन ये गई थी मैडम। झूठ बोलती शर्म नहीं आती, झूठ बोलती। तुम जाओ मुनि, तुम जाओ। तुम्हें और मामूली दर्जे की लड़कियों में फर्क है अनिता। मर्दों के पीछे बेवकूफ बनना उन्हीं को जेब देता है, तुम्हें नहीं। लेकिन आंटी लड़कियां बहुत कम बेवकूफ बनती हैं, हमेशा वही लड़कों को बेवकूफ बनाती। देखो अनीता, कल तुम पूरे 20 साल की हो जाओगी। अगर मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ तो तुम्हारे भले के लिए। ब्याह मैंने भी किया था। जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मर्द मतलबी होते हैं, तुम्हें मुझसे यकीन करना चाहिए। आंटी सारे के सारे असूद। अब तुम बच्ची नहीं हो, कल तुम्हारे पिता की वसीयत खुलेगी और तुम्हें लाखों की जायदाद मिलेगी। उस जायदाद के लालच में हजारों नौजवान तुमसे ब्याह करना चाहेंगे। अगर तुम उनके बहकावे में आ गई तो धोखा खाओ, समझी? डॉक्टर साहब, अंदर का मिशनरी तो चालू है ना? एकदम चालू है।
साले पहले ढोंगरा चाहता है इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। तरस मत खाना, मगर भेजा भी तो मत खाओ पापा। ओ डियर, पिचू पिचू, तुम चुप रहो। डॉक्टर साहब, आदमी जाएगा तो नहीं? आपकी ये नली क्या बोलती है? ऐसे मर्ज को जानने के लिए आलों की नहीं चंद सवालों की जरूरत। आप पूछिए ना। क्या ये बीए पास है? अव्वल नंबर। और कार्टूनिस्ट भी? वो भी अव्वल नंबर। इसके पास सिर्फ एक गर्म पतलून और 2 महीने में इसके जूते के तलवे खिंच जाते हैं। 1.5 महीने में डॉक्टर साहब, 15 दिन तो कार्डबोर्ड डाल के चलाता है पुअर चैप। और जब ये सिगरेट पीता है तो अक्सर उधार। देयर यू आर, वो भी 4 मीनार। मगर डॉक्टर साहब, आपने बीमारी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये उन 2 बीमारियों में से जिन्होंने इस 20वीं सदी में बहुत जोर पकड़ा हुआ है। अच्छा? एक तो है कैंसर और दूसरी ये। कैंसर में मरीज 6 महीने में छुट्टी पा जाता है, मगर ये बीमारी किसी को ज्यादा दिन तंग करे तो या तो मरीज सूखा कुआ ढूंढता है या गहरा तालाब। और मगर ये बीमारी है कौन सी? भूख और बेकारी। थैंक गॉड, हम तो काम पर है डॉक्टर साहब। जी। मगर इसका इलाज? इलाज 3 टाइम दवा नहीं, 2 टाइम खुराक। 2 टाइम खुराक? डॉक्टर साहब, आपके दवाखाने से एक नौकर को छुट्टी दे दो तो इस बेचारे की 1 टाइम खुराक का इंतजाम हो सकता है। छुट्टी दे दो? हाँ, छुट्टी दे दो। हाँ। चलो चलो, फीस निकालो। फीस? पैसे दे देना भाई। तू देना यार, हिसाब कर लेंगे बाद में। देने का हिसाब होगा। मुंह उधर, मुंह उधर, ये लो। दो तो नहीं है? हाँ। तुमने डॉक्टर साहब की 2 टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना मम्मी? हमको मम्मी मम्मी मत बोलो, हमारा कोई बेटा नहीं है। अरे अरे, अगर होता कितना बड़ा होता। अरे बाबा, तुम्हारे से बड़ा होता। जब वो छोटा होता तो तुम गोद में खिलाती, गाना गा के सुलाती, और आज वो बड़ा होकर बिल्कुल प्रीतम के माफिक होता तो तुम उसको भूखा रख सकती थी? हरगिज नहीं, हरगिज। तुम उसको इस तरह मरने देती? ऐसा क्या क्यों बोलता बाबा? तो फिर जाओ ना, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। लाती ना खाना। बेचारा, लाती लाती। प्रीतम, हेल्प करो। हेल्प करो, हेल्प करो। कम से कम 15 दिन का तो इंतजाम हो गया, और 15 दिन के बाद पापा को सबक पढ़ाएंगे। मान गए भाई, बहुत। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my darling, happy birthday to you। Thank you, Aunt। सालगिरह मुबारक हो अनीता। थैंक यू वकील साहब। वकील साहब, ज्यादा देर करना अच्छा नहीं, वसीयत तो खोलिए, देखे क्या लिखा है मेरे भाई ने। जरूर जरूर आइए। ऑन दिस डे 10th of September 1945 आई मोहन चंद्र वर्मा। ये सब छोड़िए वकील साहब, मतलब की बात बताइए, अनिता के लिए कितनी जायदाद छोड़ गए हैं मेरे भाई साहब? कितनी जायदाद छोड़ गए हैं? सब मिलाकर करीब करीब 70 लाख रुपए की जायदाद छोड़ गए। 70 लाख? जी। वो क्या? अरे 70 लाख! अब तुम्हें जिंदगी भर शादी के सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है अनिता। हाँ वकील साहब, ट्रस्ट कब तक ये जायदाद अनिता को दे देगा? शादी के बाद। शादी के बाद? शादी के बाद? जी हाँ, जायदाद हासिल करने के लिए इनका शादी करना बहुत जरूरी है। ओह लकी, वकील साहब, शादी कब करनी होगी? फौरन ना? अनिता, ये कभी नहीं हो सकता, आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं। मैं गलत पढ़ रहा हूँ? क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, साफ साफ लफ्जों में तो लिखा है कि अगर अपने 21वीं सालगिरह तक या उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर अनिता शादी न करे तो उसकी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में दे दी जाए। इम्पॉसिबल! ये वसीयत करते वक्त मेरे भाई के दिमाग में जरूर कोई खलल रहा होगा, जरूर खलल रहा होगा। यू शट अप! तो फिर मेरे भी दिमाग में खलल रहा होगा, क्योंकि वसीयतनामा लिखते वक्त मैं खुद भी तो वहाँ मौजूद था। आपके नाम भी ये खत लिख गए हैं, जब आप उसे पढ़ेंगी तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। मेरी अच्छी बहन, मैं जानता हूँ
कि तुम मर्दों को कितना पसंद करती हो, इसलिए मुझे डर है कि मेरे कूच करने के बाद कम से कम तुम्हारे कूच करने तक तुम अनीता को कमाने ही रखोगी, और इसीलिए मैं ये चटपटी सी वसीयत किए जा रहा हूँ, तुम्हारा चहीता भाई मोहन। अनीता, अगर तुम्हें इसमें कोई मजाक नजर आता है तो तुम अपने कमरे में जाके हंस सकती हो। चहीता भाई, मेरा सगा भाई और मेरा ही दुश्मन। पूरी वसीयत सुनाऊं? कोई जरूरत नहीं इस दलील वसीयत पढ़ने की। अभी तो और मसाले बाकी हैं ना मैडम, आप जा सकते हैं। अगर कहिए तो मैं ही एक आध लड़का ढूंढ निकालूं, वक्त बहुत कम है। मैंने कहा ना आप जा सकते हैं। जी जी। और सुनिए, अभी एक महीना बाकी है ना? जी। हेलो, क्या हाल चाल है? हेलो, गुड मॉर्निंग। Hello, Johnny. Hello, Johnny. Hello, excuse me. Hello. Okay. Hello, Johnny. Hello. नहीं है? अपनी जान पहचान करा दो ना। तुम खुद ही कर लो ना। Thank you. कुछ है? आप थोड़ी देर बैठिए, क्या काम है? फ्रंट फर्स्ट क्लास, प्रोफाइल सुपर क्लास। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं तो आप क्या कहेंगे? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। तो मैं नहीं कहता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, और अगर मैं आपको लॉलीपॉप दूं तो भी आप कह देंगी? नहीं। तो फिर लीजिए ना। जाने क्या? नेश कल इंग्लैंड जा रहा है, तुम क्लब में जाकर दो चार फोटो ले आओ। ओके बॉस। तुम घबराना मत, मैं अभी आया। तो फिर के खाने तक लौट आना, वरना अपने पास कुछ पैसे। मैं समझ गया, तुम बैंक संभालो, उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है वरना भूखे रखड़ जाओगे। हाँ। Thank you.
मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कहाँ भागे जा रही हो? तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या खबर है? मेरे डैडी मेरे लिए 70 लाख की जायदाद छोड़ गए हैं। अरे वो तो 9 साल पहले छोड़ मरे थे। तुम बात पूरी नहीं सुनते और बीच में बोलने लगते हो। जायदाद हासिल करने के लिए मुझे एक महीने में किसी न किसी से शादी करनी होगी। एक्सीलेंट, फौरन कर डालो। कल कर ले। किससे? मुझसे? यस। तो शादी का लाइसेंस लेने कब चल रही हो? अनीता, हम लोगों में तो सिर्फ दोस्ती थी, ये अचानक शादी का ख्याल तुम्हें कब से आ गया? जब से वसीयत सुनी तब से। लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी की बातचीत भी तो नहीं की। माफ कर लो। देखो, मेरे पास शादी वादी के लिए कोई वक्त नहीं। कल मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विंबलडन में टेनिस का मैच खेलने। तो पहले शादी कर लो, फिर दोनों साथ चलेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, फोटो खिंचाने का अपॉइंटमेंट है आज। अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट को मार गोली, पहले शादी का दिन तो तय कर लो। फजूल की बातें मत करो अनीता, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। मगर सुनो, शाम को सिनेमा में मिलना, टिकट भिजवा दूंगी, सब कुछ वही तय कर लेंगे। कार्टून तो बहुत दिलचस्प बनाया तुमने। शर्मा जी, आपको मेरे कार्टून तो हमेशा दिलचस्प लगते हैं, कुछ काम वाम देने में दिलचस्पी लीजिए ना। देखो प्रीतम, तुम तो जानते हो कि मेरे पास 6 साल से एक कार्टूनिस्ट है। तुम्हें नौकरी देने के लिए मुझे उसे अलग करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। फिर भी अगर कभी गुंजाइश हुई तो मैं तुम्हें जरूर काम दूंगा। ये तो मैं कई मरतबे सुन चुका हूँ शर्मा जी। आजकल अपनी हालत इतनी नाजुक है कि दाल रोटी के लाले पड़े हुए। अरे तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे ले जाओ। I'm so sorry. बस तुम्हें घर में ही बुलाया। Excuse me. Hello, speaking. Oh, hello, सीता देवी। आवाज में तो बहुत खुशी छलक रही है आज। दिखता है डाइवोर्स बिल पास होने ही वाला है। वो सब मेरी ही कोशिशों का नतीजा है। अब आप लोग होशियार रहिएगा अपने बीवियों से। शर्मा जी, आपके तो खासे जान पहचान है लोगों से। मेरा एक काम कर दीजिए ना। हाँ, कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे एक शरीफ लड़के की जरूरत है, पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा। ताज्जुब है, मेरा तो ख्याल था कि आपके यहाँ मर्दों को नौकरी नहीं मिलती। काम जरा नाजुक सा था, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लड़के पे भरोसा किया जाए और लड़का अपने वादे का पक्का हो। समझा। जरा माफ कीजिएगा, एक नौकरी है, करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है शर्मा जी? जरूर करूंगा, काम कार्टूनिस्ट का नहीं, कुछ और होगा। कुछ तो होगा शर्मा जी, हाँ कह दीजिए। हेलो सीता देवी, जैसा लड़का आपको चाहिए वैसा ही इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद है, कब भेज दूं? फौरन। ओके, बाय बाय। सीता देवी का पता मैं तुम्हें लिख देता हूँ। हाँ तो पहले विंबलडन से कब लौटोगे? एक आध महीने बाद? नहीं यार, 3-4 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे, पूरा यूरोप घूम कर लौटूंगा। फ्रेंच रिवेरा, रोम, पेरिस। पेरिस? अरे एक बार फिर बोल। पेरिस। पेरिस, वेरी गुड। अरे तब तो बहुत काम के आदमी हो यार। सुनो, समझ गया ना, 10-15। मगर तेरे पास तो कई थी। अरे यार, दोस्त लोग सब लेके चले गए, ऐसी चीजें कौन छोड़ता है। देवी ने सिनेमा की टिकट भेजी है। अच्छा, तुम जाओ। सलाम। कौन सा बेबी है? साहब को मालूम है। ओहो, ये क्या घपला है? कौन है ये बच्ची? बच्ची नहीं यार, अच्छी खासी बड़ी लड़की। अच्छा? बहुत तंग करती है, कहती है मुझसे फौरन शादी कर लो। तो फिर कर लो। मैं शादी वादी नहीं करना चाहता। तो फिर इनकार कर दो ना। 100 बार इनकार कर चुका हूँ, मगर वो समझती नहीं, बुरी तरह मेरी टेनिस पर सदा है। एक तरकीब है, लेकिन और गेंद भेज दो। मजाक छोड़ यार। ठीक, मैं ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। बनी पिक्चर देखो? मुफ्त। हाँ हाँ, मुफ्त। ये लो टिकट, लाओ। शाम को पिक्चर भी देखना और मेरा एक काम कर देना। क्या? तुम्हारी बाजू वाली सीट पर वही लड़की बैठी होगी, उसको मेरा एक खत दे देना। ओके, लेकर आओ। आपने किसी को बुलाया था? किसी लड़के को बुलाया था? हाँ, वो आया है।
मिस्टर इधर आओ, इधर आओ। शर्मा जी ने भेजा है? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्रीतम। कुछ पढ़े लिखे भी हो? जी हाँ, बीए पास। और अभी तक इतना नहीं मालूम कि घर के अंदर हैट और रेनकोट पहने रहना तहजीब के खिलाफ है? रेनकोट? इसे रहने दीजिए। क्यों? ये मैं आपको कैसे बताऊं? तो क्या बात है बता? मेरी पतलून की हालत कुछ रहने दो। कुंवारे हो अभी तक? जी हाँ, भगवान की दया से। और भगवान की दया से बेकार भी हो? जी। बहुत अच्छी, बैठ जाओ, बैठो। माफ कीजिए, मेरे बेकार रहने में आपको क्या अच्छाई नजर आती है ये मैं नहीं समझ सका। समझ जाओगे, बेकारी के वजह से काफी मुश्किलों में हो गए। कर्ज होगा, बिल चुकाने होंगे, घर का किराया, खाने का बिल, दर्जी का बिल। जी दर्जी का नहीं, धोबी का बिल। तो सब मिलाकर तुम्हारा महीने का क्या खर्च है? यही कोई 250-250 रुपये। तो देखो, हम तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर कर देंगे, उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? शादी, शादी करनी है। पानी मिल सकेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, शादी सिर्फ चंद महीनों के लिए करनी होगी, उसके बाद जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक देना होगा। तलाक? किसे? आपको? डॉन मिस्टीरियस, मैं अपने भतीजे की शादी की बातचीत कर रही हूँ। सीता देवी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? किराए का टट्टू? आप हो आपकी भतीजी, मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। नमस्ते। शादी मेरी इन्हीं से होगी। तो फिर मंजूर है। लेकिन शादी की तीन शर्तें। पहली शर्त, शादी के बाद तुम कभी अनिता को देख भी ना सको, न कभी उससे मिलने की कोशिश करो। जी? तो फिर शादी की जरूरत क्या है? वो जरूरत हम बेहतर समझते हैं। दूसरी शर्त, इस शादी की किसी को कानो कान खबर ना हो। आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, जब भी हम चाहेंगे और जिस शर्त पे चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़े। तो तुम वादा करते हो कि ये सारी शर्तें निभाओगे? जी। हर हालत में? जी हाँ। गुड। थैंक यू। मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप जो खा चुकी हैं और जो खाने वाली हैं उसका भी बिल अगर मैं ही चुकाऊँ तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ कहेंगे नहीं ना? कुछ पर नहीं, खाओ खाओ। सुनो, तुमने वो कश्मीरी सेब तो खा होंगे ना, वो लाल वाले, उसके दोनों तरफ, आई मीन उसे दोनों साइड पे जो हल्का सा गड्ढा पड़ता है, कितना प्यारा होता है। नहीं ए? जी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मुस्कुराएं तो आपके गाल पर उससे ज्यादा खूबसूरत गड्ढा पड़े शायद। तो फिर मुस्कुराओ ना। भूख लगी? भूख लगी क्या?
ये ले, एक ये ले रुपया, तू भी खाना खा ले जा, साथ खा ले, साथ में, क्यों रंग में भंग करता यार, बाजू के होटल में जाना भाई, बाजू वाले होटल, हाँ, वहाँ मेरे 4 रुपए बाकी, 4 रुपए, क्या मुसीबत है, ये वो लो रुपया, ये 5 रुपए रख और उसका भी चुपता कर और तू भी खाता किधर से, यही खा ले, यही क्यों जान जलाता यार, अरे हाँ ले तेरा भी इंतजाम करता हूँ ले, ये रे सिनेमा का टिकट, और बाजू वाली सीट पे एक छोकरी बैठी होगी उसको भी टिकट दे देना, कहना रमेश ने दिए, और हो सके तो कल लंच के लिए तू उसको ले आना, देख तरकी बता दी अब तू जान और तेरा काम, एक 2:45 बजे चल जल्दी जा, अरे 2:45 का शो है जल्दी जा बोलता हूँ ना, कमिंग। This is MovieTone. Lionel Gamlin reporting. रमेश ने एक खत भेजा। सुनते हो जी, ये खत दे रहा है मुझे। तेरी ये मजाक, मेरे सामने मेरी बीवी को खत दे रहा है। माफ कीजिए गलती हुई। गलती के बच्चे। निकल तू इंटरवल में बाहर। In London, the initialing of a memorandum of understanding was carried out at Calcutta. I'm so sorry. ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे। बाहर बैठने में जाओ तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहाँ क्यों खींचे बैठे? कहाँ से आऊँ? शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? सुनते हो जी? नहीं मुझे कोनी भी मार। कोनी? वो इस तरह नहीं मानेगा। तुमने इसे कोनी क्यों मारा? कोनी? देखियो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा पापा, मैंने ये भी कर दी। शादी के बाद तो तुम किसी को कोनी नहीं मारोगे ना? जी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं रमेश का खत ले आया था। मगर हुआ क्या? क्यों जी, आपको खत दिया कैसे? हेलो जॉनी। हेलो हेलो जॉनी। हेलो 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 जॉनी। हेलो हेलो। ये लो, 1, 2, 3, 4। चार? यस। अरे वो तो कुली नहीं मिला, नहीं तो पूरी दुकान ही लाने वाला था। खैर है, लेकिन याद रखो, आज अगर तुमने इन्हें फेंका तो मैं खुद एडिटर से बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं फेंकूंगी, अभी छोड़ो, बाहर बातें करेंगे। बाहर? अरे वेरी गुड, तो आओ चलो। अभी नहीं, बाद में। अभी तुम जाओ ना। आई L O V E love Y O U I love you. मैं अभी एडिटर के पास आई हूँ। एडिटर? गलती हो गई। मैं अभी रबड़ से मिटा देता हूँ। देखो ना, इसको तो अपन रबड़ से मिटा देंगे, मगर जो इधर लिखा गया है उसको कौन से रबड़ से मिटाएंगे? नहीं नहीं, जरा सोचो, धोबी भी भट्टी के अंदर नहीं निकाल सकता है इसको। काम करते करते हड्डी नरम हो गई है। जब देखो लिखे
जब देखो मीटिंग ये घर है या सराय, सबके सब अंग्रेज हैं। चलो नाश्ता कर लो। मैं सब नहीं खाऊंगी। फिर क्या खाओगी? खबरदार जो ऐसी बात मुझसे कही तो जहर खाए तुम्हारे दुश्मन। चलो उठो बैठो। तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया नैनी, क्या भी जबरदस्ती खाना खिलाती हो? ये लो। अरे हमारे जमाने में प्रेम करते थे खाना खा के, भूखे पेट नहीं। लो खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं क्यों? उस रमेश के बच्चे ने शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा ही हुआ, मुझे तो एक नजर ना भाटुआ। अरे उससे कहीं अच्छे दूल्हे मिलेंगे तुम्हें। मगर उससे अच्छी टेनिस कौन खेलेगा? हाय राम, आदमी से बढ़कर टेनिस हो गई? अरे शादी आदमी से करोगी या टेनिस से? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ले खा। मैडम मैडम लंच खाने नहीं चलना? तब तो इसी में होगा। क्या? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं से मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं से मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुल गई तकरार से, चलो चलो खाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुल गई तकरार से, चलो चलो खाने बताए जमादार। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह
तो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पहिया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पहिया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसी की यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसी की यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कौन है, क्या है? वो नहीं, उसका सामान रहता है यहाँ। ओ, हमारी वाइफ का मतलब ये है वो यहाँ रहता है पर अक्सर बाहर रहता है। आइए 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 बात आइए आइए। ओ, नए आदमी के साथ कैसा बात करता है? चुप रहो। आपको उससे कुछ काम है? नहीं, यूं ही देखने चली आई थी कि कैसे रहता है वो। आप उसका सगा वाला है क्या? ये कमरा प्रीतम का है। हाँ, हम अपना किराया लोग को बहुत अच्छा लगता है। 6 बजे को चाय, 8 बजे ब्रेकफास्ट में पॉरिज, टोस्ट, बटर एंड टी। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से तो कहिए। पॉरिज, पॉरिज। मोने, वैसे आपको प्रीतम से कोई शिकायत तो नहीं? ओ नो नो, वो बहुत अच्छा चाल चलन का बॉय है वो। हमको चाल चलन से क्या मांगता, हमको अपना किराया मांगता पूरे 3 महीने का। ओह डियर, व्हाट डियर डियर, कितने दिनों से बेकार है? जब से इधर आया बिल्कुल बेकार है। जी नहीं, उससे भी 2 महीने पहले से। लो सुन लो, उसका मुंह से उसका तारीफ सुनो तुम। का दूसरे सवाल भी अगर आपने मुझसे ही पूछे होते तो बिल्कुल ठीक मालूम हो जाती आपको। कोई बात नहीं, बाकी की पूछ लूंगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, आप ही का घर है, चलिए। इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहते हो? बड़े मजे में, आदत जो पड़ गई है। तुमने शायद इससे बेहतर जिंदगी नहीं देखी, इसीलिए ऐसा कहते हो। और आपने शायद वो जिंदगी नहीं देखी जो लाखों बेचारे फुटपाथ पे गुजारते हैं। मेरी हालत तो उनसे कहीं बेहतर है। तुम कम्युनिस्ट हो? जी नहीं, कार्टूनिस्ट। मैं कुछ कागजात लाई हूँ, दस्तखत कर दो। शादी के रजिस्ट्रार को नोटिस देने। यार बड़े मौके से आ गया, जल्दी जा, मुझे मिल जाएगी। कौन? अभी अभी पूछ के गई, बेकार टाइम मत खराब कर नहीं तो निकल जाएगी। कोई छुप रही है क्या? हाँ, तो अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। तो मुंह धोएगा तो उसे हाथ धो बैठेगा। मगर है कौन? जूली। जूली? अबे जूली से तो मैं भी मिलकर आ रहा हूँ। जूली से मिलके आ रहा? हाँ। तो जा रोजी से मिलके आना। ए गिस्सा मत दे, सीधा बोल के अंदर मत आ। कोई है क्या? हाँ है। कौन है? मम्मी अंदर कौन है? दो लेडी। दो? बीस तारीख को 10 बजे तक वहां पहुंच जाना। पहुंच जाना। तो 20 तारीख को जा रहे हो ना? पैसे की जरूरत भी होगी। मांगना मुझसे, एक पाई नहीं दूंगा। ये पतलून किसी के पास गिरवी रख के जाना। हाँ। यहाँ
की तरह हर वक्त साथ लगी रहती हूँ। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं जहर वहर खा लो तो लो छतरी धूप लगेगी। नहीं चाहिए। अभी रंग जल जाएगा तो कोई शादी नहीं करेगा। आप मुझे किसी की शादी नहीं करनी, तुम ही कर लो। राम रो रही हैं? मैं रो खा रही हूँ, मुझे तो जोर का जुकाम हो रहा है। बड़ा तेज जुकाम मालूम होता है। सच बोल तो मैं रो ही रही थी। क्यों? वो रमेश का बच्चा भाग गया। कौन? वही रमेश जो वही चाइनीस वाला जिसकी तुम चिट्ठी लाए थे। काम तू हम बेशक बेशक। तुम एक बात बताओ, बेटो कहिए। सुनो माँ बाबा ना, तुम्हें कैसे बताओ? क्यों? तुम भी तो मर्द हो। ये मेरा कसूर तो नहीं है? तुम नहीं जानते मर्दों को सारे के सारे बाजी होते हैं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की? कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है। मत लगने दो, मैं कहती हूँ मत लगने दो, बहुत बुरी होती है। होता क्या है? लगती है रोग। इसकी तो फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो दो चार रोज भूखे रहने के बाद भी रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती तो कोई भूखे तो नहीं खा लेते? अरे हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल सूझा ही नहीं। आपको बड़ी होशियार मालूम होती है। दो चार बार बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। कहिए तम। होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। Thank you.
दे होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। जब 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 ने नबिया से मिले बचाने का इंतजाम कर लिया है। मुझे इंतजाम तो मैं भी करने निकली थी और अपनी तो स्कीम ही फेल हो गई, लेकिन मेरी स्कीम फेल ना होगी। मैंने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है जो कि तुमसे ब्याह करेगा और जायदाद तुम्हारे हाथ आने के बाद तुम्हें तलाक दे देगा। हम सकते हैं, मैं ऐसे आदमी से कभी ब्याह नहीं करूंगी जो शादी से पहले मुझे तलाक देने की सोचे। मेरी इतनी भी कदर, लेकिन अदर का सवाली कहाँ उठता है अनिता? लोग उसे 250 रुपया महीना देंगे, इसी लालच में वो ब्याह करेगा। उसमें तो और भी मेरी इंसल्ट है कि 250 रुपए के लिए वो मुझसे ब्याह करेगा। और नहीं करो जोन बेची दिया अनिता, वो तुम्हारे कदर करे या न करे इससे तुम्हें क्या मतलब? जायदाद हाथ आ जाए बस इतना ही बहुत है। As you please. क्या है, क्या बात है बड़े जल्दी में? हाँ यार, तेरा जूलियो से मिलने जाने का देर हो गई है। जानी मेरा तेरा क्या हिसाब है? हिसाब मैं समझ गया है, तो पैसे की जरूरत है, मिलने वाले नहीं है। यार 65 का भी कोई हिसाब है जॉनी? 10 रुपये और दे दे पूरे 500 हो जाएंगे। 25 और मांग लेना पूरे 100 हो जाएंगे। बात करता यार मुझे देरी हो गई है। यार इसमें क्या हुआ, 2 कार्टून बेच दूंगा, पूरे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ जब तक मैं बिक जाऊंगा। ए जानी, जानी क्या मुसीबत है यार, चल उधर मुकर। उधर देख उधर, ये ले। अरे 9 बज गए भैया, तू जरा जल्दी से पतलून को इस्त्री कर दे, मैं नहा के आता हूँ। साबुन कौन बोल कर गया? क्या मुसीबत है, बाथरूम से साबुन किसने गुल कर दी? प्रीतम भी गुल, प्रीतम, ए प्रीतम, ये भी गुल। ओ अरे सूट भी गुल, क्या मुसीबत है। अब दूसरा सूट तो 21 तारीख को मिलेगा वॉशिंग कंपनी से, आज तो 20 तारीख है। हाँ हाँ ये गया बुढ़िया से मिलने। हेलो हेलो, ओ हेलो, तुम यहाँ कैसे? जैसे आप। मैं तो अंकित के साथ आई हूँ, वो अंदर रजिस्ट्रार से बातें करें। तुम भी रजिस्ट्रार के पास आए हो? जी मैं, जी नहीं, मैं तो आपको देख के चला था। सुनो अगर मैं तुमसे एक रात की बात कहूँ तो किसी से कहोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आज मेरी शादी हो रही है। अच्छा, तुम चौंके नहीं? चौंकिया जी, बिल्कुल चौंकिया।
लेकिन शादी आप किससे कर रही हैं? एक लालची से। अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने और देखना भी नहीं चाहती। तो फिर शादी क्यों कर रही हैं उससे? आंटी कहती है कि जायदाद के बचाने के लिए किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी। अरे मेरी ख्याल ही नहीं आया उन्होंने तुम्हें से शादी कर ली थी। मुझसे? मैं आपको अच्छा लगता हूँ? कुछ कुछ। हो सकता है वो भी उतने अच्छा हो जितना मैं हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। वो तो पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन हो सकता है वो आपसे प्रेम भी करता हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। लेकिन शायद उसने आपको देखा हो। आप उसकी तरफ से क्यों वकालत करते हैं? वो मुझे इतना से भी अच्छा नहीं लगता। मैम साहब आपको अंदर बुलाया। सुनो तुम दो मिनट बैठो मैं झटपट शादी करके आई। मैं भी साथ चलता हूँ। ना भावना ना आंटी नाराज हो जाएगी। शादी चोरी चोरी हो रही है। ग्यारह बज चुके हैं मैडम। मैंने आज 10 शादियां करानी है। कहाँ है दुल्हन? ये रहे। और लीजिए इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मगर दूल्हा कहाँ है? मैं भी देखती हूँ। ये रहा दूल्हा। लालची धोखेबाज खुदगर्ज तुम भी दूसरे ही जैसे निकले। अरे था आंटी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो जायदाद कैसे बचाओगी? घर पे तुमने क्या वादा किया था मुझसे और फिर तुम्हें उससे क्या लेना देना है? जब हमें चाहिए तलाक दे देगा वो। लीजिए आप भी ये शर्तें पढ़ लीजिए। आप ये शादी किसी दबाव या जबरदस्ती की वजह से तो नहीं कर रही? जी नहीं। आप लोग शर्तें पढ़ चुके? अच्छा तो आप इनसे कहिए कि मैं प्रीतम कुमार तुम्हें अनीता वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं प्रीतम कुमार तुम्हें अनीता वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब आप इनसे कहिए कि मैं अनीता वर्मा तुम्हें प्रीतम कुमार को अपना पति स्वीकार करती हूँ। दस्तखत कहाँ करने? पहले आप दस्तखत कीजिए। गवाहों के दस्तखत। शादी मुबारक। मैंने कहा शादी मुबारक। अनीता ये रहा तुम्हारा 250 का चेक। बाकी के चेक हर महीने वक्त पे भेज दिया करूंगी। और हाँ फिर अनीता से मिलने की कोशिश न करना। आपने मुझे बुलाया था शर्मा जी? अरे हाँ प्रीतम आओ बैठो। कहो कैसी है तुम्हारी नई मालकिन? नई मालकिन? अरे हाँ भाई वही सीता देवी। ठीक ही होंगी कई हफ्तों से नहीं देखा हूं। क्यों भाई तुम्हें नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने? जी नहीं नौकरी कुछ ऐसी है कि उनके घर से दूर रहने की तनख्वाह मिलती है। अच्छा सुनो प्रीतम तुम अब भी हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? नौकरी? हाँ कैसी नौकरी? कार्टूनिस्ट की। कार्टूनिस्ट की? सच? हाँ हाँ। कब से आ जाऊं? कल से। मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। थैंक्स अ लॉट। ओए ओए कंगी बाकी है अभी।
ये क्या लिपस्टिक? जल्दी करो मैडम वरना देर हो जाएगी। हे मिस्टर, ज्यादा आंखें मत दिखाओ, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो हम दांत दिखा देते हैं। चलो पैसे थे क्या? वो कबाट है ना मेरे, उसके अंदर पत्तों में सफेद वाले। समझ गया समझ गया। हाँ हाँ ले कर दिले। प्रीतम को दिले चलो ना। तुमने कभी कबाब खाए हैं? तो फिर तुम्हें क्या मालूम कि कबाब में हड्डी क्या होती है? चलो तुम भी चलो। जॉनी क्या है? जाने दे यार। जॉनी फरमाइए। सिगरेट ले लो। मैचेस से मिला। आओ जॉनी, ये है मेरी स्कूल की सहेली मिस अनीता, ये है जॉनी। हाउ डू डू? हाउ डू डू? तो प्रीतम कुमार, मिस अनीता। आजकल क्या कर रही हो जूली? मेरा ख्याल है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं मिस अनीता। शायद, लेकिन किसी डांस पार्टी में नहीं, वरना आपको मालूम होता कि डांस के लिए सूट पहनना जरूरी है। सॉरी। ओके जूली, बाय। बाय बाय। बैठ जाओ भाई। गई कहाँ मिली थी बे? याद नहीं है? याद नहीं? कमाल आदमी। अरे अपने को ऐसी छोकरी मिल जाए तो अपन जिंदगी भर नहीं भूले। ओह आओ चले डांस पे। ए भाई उधारी का ख्याल रहे, अपना इधर चलता वलता नहीं खाता। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या मजाक है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि बड़ी बदतमीज बीवी है, अपने शौहर से बात तक नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इतनी जल्दी भूल गई? इसे तो नहीं भूली हो ना, शादी का सर्टिफिकेट। अब बात करें। चटपट करो, मुझे जाना है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी? नफरत नहीं तो क्या मोहब्बत करूं? 500 रुपए के लिए अपने आप को बेच दिया। तुम गलत समझ रही हो, मैं लालची ही हूँ। तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? क्या करता, दिल नहीं माना। झूठ। तुम मुझे अच्छी लगती हो अनीता। इतनी ही चापलूसी करो, तनख्वाह 250 ही रहेगी, एक दमड़ी भी नहीं बढ़ेगी। Thank you.
तो ये नैना बाबू किसी के लिए है नीले आसमानी, नीले आसमानी। जल्दी चले आए, क्या बात है? योगी तेरा काम करना। यार ये कार्टून का आइडिया बहुत जोरदार। ये लड़की की शक्ल तो जानी पहचानी है, कौन है? नहीं, नहीं। इसमें भेजा कम और दिल की कारीगरी ज्यादा है। मेरा मतलब है ख्याली पुलाव नहीं है। वो क्लब में नीले आसमानी आंखों वाली जो लड़की थी ना, सुपर क्लास, शादीशुदा है या? मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में? के मामले में ऐरे गैरे नत्थू खरे सलाह लेते अपने से, और एक तुम हो के जिगर तक नहीं किया। माचिस कहाँ है? अब जिसको पता लगेगा वो तुम्हारे को नहीं मेरे को गाली देगा कि यार जॉनी वो तो बेचारा नारी था, तुम तो समझदार थे, तजुर्बेकार थे। क्या जवाब दूंगा मैं? चेक 1 2 3 4। अबे अबे सीता देवी के दिए हुए 250 के चार। जॉनी रख दे वो वापस। अच्छा दे तू आए इसको, अपना कर्जा चुका दे भाई, आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है। ये तोड़ाने के नहीं है,
हाँ हाथ क्यों तोड़ाएगा, तावीज बना के गले में लटकाएगा तू। क्या मतलब? कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में। अबे मैंने क्लब में तेरी सारी बातें सुन ली। तुम भी वहां मौजूद थे? नहीं, खाली कान भेजा था सुनने के लिए। बात करता है यार, देख अभी जैसा बोलता हूँ वैसा कर। तू अगर उसको यकीन दिला दे कि ये शादी के प्रोग्राम में रकम का हाथ नहीं बल्कि दिल का साथ था तो शायद है कि वो। बहुत अच्छे। ए भाई, इधर हम भेजा चला रहे हैं और उधर आप पेंसिल चला रहे हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। हटा जॉनी, क्या रखा है इन बातों में, काम करने। मैं तो हट जाऊंगा मगर वो 75 नहीं हटने वाले, जल्दी से इंतजाम कर देना। मैडम, आजकल आपको बड़ी शोहरत मिल रही है। अखबार ने तारीफ की है मेरी? जी नहीं, आपकी और अनीता की शक्लें छाती हैं। देखिए। तुम अपना काम करो। नहीं, किस बदतमीज का काम है? अखबार तो शर्मा जी का है। यकीन नहीं आता, मैं भी पता करती हूँ। अभी रहने दो। ये कार्टून तुमने बनाया है? ये मैं और अनीता है। ऐसी ही शक्लें हम लोगों की। जी हाँ। मजाक उड़ाया है तुमने हमारा, इसका नतीजा जानते हो? जी हाँ। तुमसे कोई संबंध रखना हमारी बेइज्जती है, मैं फौरन तलाक चाहती हूँ। आप? लेकिन मेरा तो ख्याल था शादी मैंने अनीता से की थी। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। तुमने वादा किया था जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा। मेरी चहेती पत्नी भी इसके लिए राजी है? वो तुम्हारी चहेती पत्नी नहीं। वो मेरी बीबी नहीं? तो फिर मुझसे तलाक क्यों मांगती है? और आप शायद भूल रही कि तलाक मैं नहीं, अदालत मंजूर करेगी। अदालत की मंजूरी के लिए 50 वजह बयान की जा सकती है। मसलन? मसलन यही कि तुम अनीता के साथ बुरा सलूक करते रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो पहले मुझे उसके साथ थोड़ा सा बुरा सलूक करने का मौका दे दीजिए, फिर तलाक की वजह पैदा हो जाएगी। क्या मतलब? अदालत ये पूछेगी ना, जब हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रहे तो मैं उसके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकता। तो तुम्हारा मतलब है तलाक से पहले तुम्हें अनीता को साथ रहना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि तलाक के बाद साथ नहीं रह सकते। तो उसके बिना तुम तलाक नहीं दोगे? आपकी शर्तों पे नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई शरीफ इंसान तुमसे बातें करे। अब मेरा वकील ही तुमसे अदालत में बात करेगा। तो आपके वकील साहब शरीफ नहीं है क्या? ओह, थैंक यू। थैंक यू। कमाल औरत है। वो तुम्हारे सगे वाली का खिताब बांटने आई थी क्या? वो अपने को भी टाइटल देके चली गई, क्या बात क्या है? इसलिए कि उसकी भतीजी को तलाक देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया ना? अरे वाह, बहुत अच्छे। मगर अब करेगा क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ। तेरे सोचने को टाइम लगेगा और मेरे दिमाग में है। क्या? तू चल तो सही, आजमाई हुई चीज। चल चल चल। कहाँ? तू चल तो सही यार। समझ गए ना? तुम ही ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। आहा, क्या गाड़ी चमकाएगी ड्राइवर साहब, कोई बाहर जाने वाला है क्या? ये भी जाने वाली है। ओ आहा, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, एक मिनट आइए। तो अरे वाह, मैं छोटी न बड़ी, न नीचे न ऊपर, न इधर न इधर। क्या मूछ है आपकी? वैसे तो मैंने कई मूछ वाले देखे मगर ये बात नहीं देखी। आप आपको कैसे मालूम? अरे मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ जी।
आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? बोलिए बोलिए। ईमान से कहिए। तो फिर इसी मूछ के साथ मेरे को एक छोटी सी तस्वीर उतारने का मौका दीजिए। अरे मगर अभी बेबी जाने वाली है। अरे बेबी से ज्यादा कीमती आपकी मूछ है। अरे मगर ओ, मैं कहता हूँ आप समझिए तो सही। आप मेरी बात। अरे अभी आप चलिए तो सही। क्लब चलो ड्राइवर। मेरा ख्याल आप रहने ही दो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से एंगल से लूं भाई। अरे आप मुझे क्लब जाना है, गाड़ी कहाँ लिए जा रहे हो ड्राइवर? आपके ससुराल। जी मैं। तुम यहाँ कैसे आए? आपके ड्राइवर की मूछों की वजह से। गाड़ी रोको फौरन। जी नहीं। तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे? ओ गॉड, देखो मैं चलते गाड़ी से कूद पड़ूंगी। हाँ कूदिए कूदिए। क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई तो? कोई फिक्र नहीं, मुझे लंगड़ी बीवी मंजूर है, कम से कम मुझसे दूर तो नहीं भागेगी। बेवकूफ, तुम कहाँ से हो सर? जी मैं जरा गेट से गया था, पलटा तो देखा वो गाड़ी लिए जा रहा था। देखा तुमने? कौन था वो? जी ठीक से तो नहीं देखा। बेबी, बेबी जाने वाली थी उस गाड़ी में, शायद उसने देखा हो। अरे हाँ, बेबी ने जरूर देखा होगा। हाँ है अनिता, बुलाओ उसे। जी उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वो उन्हें भी साथ ले गया है। क्या? जी हाँ, वो उन्हें भी साथ ले गया है। इडियट, पहले क्यों नहीं बताया? आप कुछ कह रही हैं? गालियां दे रही हो तुम्हें? प्यार की या तकरार की? गाड़ी के नखरे भी आपसे कुछ कम नहीं है। क्या? जितने भी हड़ताल कर। ओह, अब क्या होगा? होना क्या, मियां भी आराम से इस गाड़ी में रात काट देंगे। तुम्हारा सर काट देंगे, मैं जंगल में रात नहीं गुजारूंगी। गाड़ी ठीक करो। तो चलिए गाड़ी को धक्का लगाइए। मैं धक्का वक्का नहीं लगाऊंगी। आप गाड़ी को चलाइए। मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। तो फिर दिखता है रात यही कटेगी। बनिए ना बड़ी तीरंदाज, और कोई घर से
मुझ में तू बन के दर्द है जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। है मुझ में तू बन के दर्द है जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। बस बस तुम भी दे सुने ये जना, कर का लाहुल पत कहाना खराब। बस बस तुम भी दे सुने ये जना, कर का लाहुल पत कहाना खराब। मान जा ऐ संग दिल, दिल से मिला ले मेरा दिल। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। औकात मेरी न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। यूं न रिश्ता जोड़िए, दामन हमारा छोड़िए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साथ। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का तार। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का तार। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियाँ, रस कर लो जंगल का मजनू मियाँ। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियाँ, रस कर लो जंगल का मजनू मियाँ। छोड़ कर अब तेरा दर, जाए ये दीवाना किधर। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का तार। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का तार। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का चलिए उतरिए। मैं नहीं उतरूंगी। नहीं उतरूंगी जी। नहीं वही तो कर रहा हूं बबुआ। बात यह है भाभी, इनके पैर में जरा मोच आती है। सुन लो भाई सुन लो, पूछती है शहर में चुपचाप ब्याह तो नहीं कर डाला जी? पैर में ज्यादा मोच तो नहीं है, कुछ दवा दारू का सामान करें। नहीं नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। ये भगवान तुम्हें जिस ढंग से ले आया, हम तो समझे कि जी नहीं। तो तुम
कुंवारी अभी तक? अरे अभी तक क्या, 20 बरस और कुंवारी रहेंगी भाभी, लाखों रुपए भरे पड़े इनके घर में। चल हट, औरत के लिए घर बसाने से बढ़ के भला और का सुख होगा? अरे तू नहीं जानती भाभी, जब तक कोई मोटा सा फायदा ना हो ये शहर की लड़कियां ब्यावा की झंझट में नहीं पड़ती। इसकी बातों का ख्याल न करना बहन, ये तो यूं ही बकबक करता है। चलो तुम आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। बबुआ इनका ऊपर वाले कमरे में ले जाए। मेम साहब तशरीफ ले चलिए। उठा के ले चलिए मुझे, मेरे पाँव में मोच है। पागल हो गई हो, 20 सीढ़ियां उठा के ले चलो। चाहे 300, मेरे पाँव में तो मोच है। तो बैठी रहो, मुझसे ना होगा। आपसे ना होगा? हाँ। बेटा ये परी है, परी बड़े जतन से लाना पड़ता है इसे। काका ये परी है? हाँ। ये तो कपल का अपने पर इसने बांध रखे, सिर्फ उड़ते वक्त फैलाती है। हम देखे इसके पास, छूना नहीं परी को, ये तो फौर से उड़ जाएगी। बबुआ तुम लोग जरा परी पे नजर रखना, उड़ने ना पाए, समझे? यहाँ आओ बच्चों। अरे बोलती भी है, यहाँ आओ। बाद में आगे नहीं तो तुम उड़ जाओगे। अरे भाई मैं नहीं उड़ूंगी, तुम्हारा पापा थोड़ा छूटा है, तुम छू के देखो मेरे पर कहाँ। तुम भी आओ, आओ देखो मेरे पर कहाँ, तुम भी देखो। नहीं ना? नहीं। हाँ बोलो। अरे और डालू स्कूल जाओगे के नहीं, वक्त होएगा। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, परी आई है। अरे परी अभी 2-4 दिन तक रुकेगी, फिर बातें कर लेना। चलो अब सारा खास लाइफ को हुआ, कहीं जादू न चल जाए तुमसे। भाभी दिखता तुझ पे जरूर जादू चल गया। ठीक पहचाना तूने, लड़की मुझे पसंद है, अब ब्याह कर डाल झटपट। अरे छोड़ भाभी, हमें कौन पसंद करेगी फिर। दिखता है भाभी अपन कुंवारे ही मरेंगे। ए नौज पसंद काहे ना करेगी, हमरे देवर की आन बान किसी से कम है का? अरे भाभी तूने उनकी आन बान नहीं देखी, बहुत बड़े लोग हैं वो। तो हुआ करे, अगर उधर दौलत है तो इधर सीरत है, तू कहे तो था लस के दिल। अरे थावा छोड़ भाभी, अपना काम किए जाए। बताओ भैया कब आ रहे? अभी कहाँ बबुआ, वो तो जज साहब के दौरे में गए हैं। अच्छा जा नीता रानी के भोजन के लिए बुला ला। आ रही क्या फेस रही हो भाभी? बेटा ना ही रानी, तुमसे न बनते छाले पड़ जाएंगे इनको मल हाथों में। पड़ जाने दो, काम तो करने से ही आएगा। अच्छा दुल्हन तुम चक्की में गेहूं डालो, पर पीसूंगी मैं। कितना काम करती हूँ भाभी, ता नहीं जाती। अपने ही घर का काम हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा? घर के काम काज में ही तो गृहस्थी का सुख है, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करने से सेहत बिगड़ नहीं जाती। 4 बरस हो गए हमरे ब्याह को, अभी तक तो नहीं बिगड़ी। सिर्फ 4 बरस? हाँ 4 बरस में 3 बच्चे। रानी
तुम भी कितनी भोली हो। जी जी मेरा मतलब ये था कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो ना। जी नहीं, औरत की आजादी खत्म हो जाती है। कैसी आजादी? जो औरत अपने बाल बच्चन का बोझ समझे उनसे आजादी चाहे वो भला माँ का नाने चोखा। एक बात पूछूं भाभी? दो पूछो रानी। आपके पति कभी कभी पीटते भी आपको? सलमन से प्यार भी तो वही करते हैं। भात खाते समय कभी कभी दांत तले कंकर भी आ जाता है, उससे लोग भात तो खाना नहीं छोड़ देते। ब्याह हो जाने दो तुम्हारा, तब जानोगे पति का प्यार। इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। कैसा नगमा इतना दास्तां है, बता है मोहब्बत मेरा दिल कहां है। ये कैसा नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। इधर देखती हूँ नजारा जवां है, उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये पैसा है नगमा ये तो दास्तां है, बता है मोहब्बत मेरा दिल कहां है। ये पैसा है नगमा, लगती है तारों की परछाइयां, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां। तू लगती है तारों की परछाइयां, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां। महकने लगा मेरी ज़ुल्फ़ों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है, बता है मोहब्बत मेरा दिल कहां है। ये कैसा है नगमा, तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल से है तेरी पलकों के साए, मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो,
इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। मैं उसके पर बांध चुका हूँ, अब वो नहीं उठ सकती। लेकिन बंधन तोड़ा भी जा सकता। वो दूसरे बंधन होते, प्यार का बंधन तोड़े नहीं टूटता। आइए अंदर चलिए। अनीता कहाँ है? वो यही है और बहुत मजे में है। तुमने जो कुछ भी किया है वो जानकर मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। जी शुक्रिया, मैं आपकी समझ की दाद देता हूँ। तुम शायद इसे बहुत दिलेरी का काम समझते हो, मगर हम शरीफ लोग इस हरकत को गुंडागर्दी कहते हैं। गुंडागर्दी? यानी मुझे अपनी पत्नी पे कोई हक नहीं? हो समझा, आप शरीफ लोगों में शायद पति पत्नी का गुलाम होता है। मैं जानती हूँ अनिता को इस तरह लाने का मतलब। चांदी की चमक देखकर कोई भी कल्लाश शराफत से आंखें फेर लेता है। वाह बहुत खूब मैडम, ये जुमला नोट कर लो। हमारे रास्ते से हट जाने के लिए कितने रुपए चाहिए तुम्हें? आप तकलीफ न कीजिए, मुझे जितने भी रुपयों की जरूरत होती है वो मैं आजकल आपकी दुआ से खुद कमा लेता हूँ। कमाते होते तो 250 रुपए माहवार के लिए अपने आप को बेचा ना होता। चलो 10,000 का चेक, और इसके बदले मेरी भतीजी की आजादी वापस कर दो। यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी को अपनी तानाशाही से आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहती हैं? कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींट अपने आप पर ही आती है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अनीता माफ कीजिए, अनीता अपने मर्जी के खिलाफ यहां से नहीं जा सकती। ये रही उसकी मर्जी, पढ़ लो ये तार। अनीता ये तार तुमने भेजा था? मैं पूछता हूं ये तार तुमने भेजा था? तो मेरे साथ ये ढूंढ रचाने की क्या जरूरत थी? तुम गलत समझ रहे हो, मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए था कि तुम जैसे तितलियों का कोई भरोसा नहीं। डोंट इंसल्ट मी, मुझे बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं, मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूँ। जी नहीं, आप तो मलके आलम है, आपके क्या कहने। जाइए तशरीफ ले जाइए। एक तरफ जन्म जन्म का साथ है तो दूसरी तरफ सिर्फ यही जन्म का। ये दोनों में से किसी एक का चुनने से पहले अपने मन से पूछ लियो। अनीता जाने का। अरे प्रीतम तुम आ गए, हफ्ते भर का प्रोग्राम दो ही दिन में, कैसी गुजरी गांव में यार? सब छोड़ो यार, एक बात तो सुन, जानी कहीं से शराब की बोतल मिल सकेगी? हैं शराब की बोतल? अबे धीरे बात कर, किसी ने सुन लिया तो दोनों अंदर हो जाएंगे। चलो तुमने कहा था ना कि तुम शराब नहीं पीते। ले देख फिर हो गई ना, अब तू ही मना 1.5 घंटे तक। जवाब दो मुझे, तुमने कहा था या नहीं? हाँ बाबा ठीक ही तो कहा था, कौन पीता है? तो तुम लोग पीने की बातें क्यों कर रहे थे? ओहो पीने की नहीं सिर्फ बोतल की, ओह गलती हो गई, सिर्फ बातें कर रहे थे। झूठ बोलते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं। हाँ नहीं। मैं क्या क्यों दिया है? मैं कटा नहीं दिया। अब मुझे मिलने की कोशिश कभी ना करना। जो 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 नहीं, अरे ऑलवेज फटका, तेरी वजह से हमेशा नुकसान, पैसे में नुकसान, कपड़े में नुकसान, छोकरी भी चली गई। अबे उसके ही सामने बोला था मुझे शराब की बोतल ला दे।
शराब की खाली बोतल चाहिए थी मुझे। खाली बोतल? हाँ। अबे अकलमंद, तो पहले ही बोलने को क्या हो गया था कि मेरे को शराब की खाली बोतल चाहिए। जब वो थी तो बोलता मुझे शराब चाहिए, जब वो चली गई तो बोलता खाली बोतल चाहिए, अब थोड़ी देर बोलेगा मुझे छोकरी भी चाहिए। हाँ चाहिए। उमर से दो चाहिए। दो? ओह पंखा पंखा। यार आज तुझे क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आता है, इस तरह की फोटो खिंचवाने की तुझे क्या तकलीफ हुई भाई? यार तुझे खींचने में क्या तकलीफ है, खींचना बाबा। मेरे क्या बाप का जाता है, ले। अरे हाँ, जिसके लिए दो आने और दो घंटे खराब किए, वो शराब की बोतल तो तुम भूल ही गए। ये लो रख दो, दो आने हिसाब में लगा दिया, फुकट में मत समझना आप। अरे यार बोतल का लेबल तो इधर कर। वंट यू कम प्लीज, यू टू। हम बोलते हैं तुम अपने सर के बाल का इलाज क्यों नहीं करता, आखा खोपड़ी सफेद हो गया है। उसका इलाज तो तुम कर रहा है डियर। हम कर रहे हैं। सुना? 25 साल से सुनता चला आता है, तुम बोलता जाओ। हम अपनी आवाज का बात नहीं कर रहा, जॉनी का रूम से किसी लड़की का आवाज आ रहा है। वो तो तुम्हारा अपना आवाज का गूंज होगा डियर, बाजू वाला बिल्डिंग से भी टकरा के लौट सकता है। तुम कितना खुशहट हो गया मैन, एकदम तुम्हारा खोपड़ी अभी काम नहीं करता। हाँ आवाज उधर से आता है, नाम मेरा लेता है तुम। हम खुद जाके देखेगा क्या गड़बड़। अरे बाप रे, मम्मी मर गए मम्मी। यार दरवाजा मत खोल, कह दे काम कर रहे। अरे नहीं जाना बाबा। नहीं खोलूंगा तो 2 के 4 दरवाजे कर देगी। तू बत्ती गुल कर। आधी रात को बिल्डिंग क्यों हिलाता है, किसी को काम भी करने देगा कि नहीं? अंदर अंधेरा क्यों है? ओहो हो, और नहीं तो ये काम क्या उजाले में होगा? हम बोलते हैं कोई जरूर अंदर है। हाँ है। कौन है? 2 दर्जन चूहे, 50 दर्जन खटमल। अब तुम जाओ ना, हैरान मत करो मच्छर बन के, जाओ। पापा 11:30 बज गए, सो जाओ अभी। अभी तो जान बच गई है, मगर किसी दिन तू अपने को घर छुड़वा के फुटपाथ पे जरूर भिजवाएगा। अब जल्दी से फोटो खिंचा, भगा इनको, आओ ना भाई, डोंट यू समझो। हाँ रेडी, जरा स्माइल। ओके। इस तरह अंदर क्यों आए? यहाँ गुंडागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। दरबार, दरबार। डरिए मत, औरतों के उद्धार के लिए अभी आपको बहुत दिन जीना है। मैं पूछती हूँ, दीवार फंस कर अंदर आने का क्या मतलब है? अगर आपने दरबार को घर के दामाद के साथ सुलूक करना सिखाया होता तो मुझे इस तरह आने की जरूरत न होती। जरूरत क्या है तुम्हें यहाँ आने की? अपनी नहीं, मैं आपकी जरूरत से आया हूँ, ये लीजिए। ये जलील तस्वीर मेरे पास क्यों लाए हो? इसलिए कि अदालत में खड़ी होकर आप ये साबित कर सके कि मैं एक बदचलन आवारा हूँ जो आपकी भतीजी का पति होने के काबिल नहीं। इस तस्वीर के बिना पर कोई भी अदालत तलाक मंजूर कर लेगी। तो तुम सचमुच तलाक देने को तैयार हो? मुझे यकीन नहीं आता, कल तक तो तुम जबरदस्ती नहीं, अगर वो खुशी से रहना चाहती तो। समझदार हो तुम, ये तस्वीर देखकर अनिता भी खुश हो जाएगी। आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ और भी लाया, ये रहे आपके दिए हुए सारे चेक। दौलत से आपकी इज्जत है ना, रख लीजिए इन्हें, आपकी इज्जत कुछ और बढ़ जाएगी। नमस्ते। तुम्हारी आंटी शायद ब्लैक में पैदा हुई है, शादी ब्याह कोई व्यापार नहीं है। जिसका हाथ एक मरतबा थामा है, उम्र भर उसके साथ निभाना पड़ता है। मैं तो निभाने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी निभाना चाहे तब ना। अरे तुमने उसे मौका ही कब दिया है निभाने का? कभी उसके साथ में 2 मीठी बातें की है तुमने? जब मीठी बातें करने को जी चाहा
तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मरद था, कब तक चुपका बैठता? तुम कोई पटरानी हो जो तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा रहे? तुम उसकी पत्नी हो। तो फिर वो मुझे मनाने क्यों नहीं आता? उसने कोई तेरा ठेका ले रखा है मनाने का? तू जा उसे मनाने। नहीं नहीं, अब मनाते कैसे? तू उसके सामने चली जा, खुद ही आ जाएगा मनाना। मैं जरूर जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे। नहीं, अगर फिर तुमने अनिता को बहकाने की कोशिश की तो ठीक नहीं। ये मत भूलो कि तुम नौकरानी हो इस घर की। चलो निकलो यहां से। प्रीतम पे तुम्हें बहुत भरोसा है ना? जी हाँ, होना भी चाहिए। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। जाओगी तो धोखा खाओगी। लड़कियों की कमजोरी से फायदा उठाना ये उसकी पुरानी आदत। आप गलत समझ रही हैं। वो सिर्फ मुझे चाहता है। तुमसे उसने यही कहा होगा, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है। ये तस्वीर आपको कहां से मिली? उस लड़की से जो तुमसे पहले प्रीतम के हाथों धोखा खा चुकी है। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। वो ऐसा नहीं है। तुम क्या जानो वो कैसा है? कितने दिनों से जानती हो उसे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों पर तो होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो ऐसी तस्वीर कहां से आती? अब तुम जानबूझकर कुएं में कूदना चाहती हो तो जाओ कूदो। भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? आंटी, अब भी कुछ नहीं दिख रहा है अनिता। इस तस्वीर के बिना तो तुम्हें फौरन तलाक मिल सकता है। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आहे, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। में आंसू न थे और जल रहा था दिल, जिगर रो रही थी हसरतें, चुपचाप था मैं बेखबर। अरे कैसे आता है, कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई। हाँ ये हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई। जब लुटा कूचे में उनके जाके दीवाना कोई। अरे ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था।
बैठा हूँ मंजिल के करीब, मैंने खुद कश्ती डुबो दी जाके साहिल के करीब। क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था, क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता टुकड़े टुकड़े, हाँ हाँ टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया पहले कि मैं उन मजालिम का जिक्र करूं जो कि मुद्दालह प्रीतम कुमार ने मुद्दैया अनीता प्रीतम कुमार पर शादी होने के बाद किए हैं, मैं उनकी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शादी से पहले मुद्दैया मिस अनीता वर्मा थी, एक शरीफ और दौलतमंद खानदान की इकलौती बेटी, और मुद्दालह एक निकम्मा काहिल और बेकार इंसान था। उस बेकार इंसान की जिंदगी में जब एक दौलतमंद और भोली भाली लड़की ने कदम रखा तो उसे अपनी फाके मस्तियां दूर करने का एक सुनहरी मौका नजर आया। एक नातजुर्बेकार व मासूम लड़की ने एक चालाक इंसान की बनावटी मोहब्बत के झूठे वादों पर यकीन किया और मिस अनीता वर्मा प्रीतम कुमार को पसंद करने लगी। फिक्र न करो अनीता, शहर का सबसे काबिल वकील किया है मैंने, वो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहेगा। 25 अक्टूबर 1954 को उन दोनों की शादी हुई और उसी दिन मिसेज अनीता प्रीतम कुमार ने अपनी जिंदगी की पहली ठोकर खाई। उसी दिन प्रीतम कुमार अपनी बीवी को ठुकरा कर चला गया। ये जालिमाना सुलूक बर्दाश्त करने के बाद भी पारसा बीवी की मोहब्बत में फर्क ना आया। वो अपने शौहर की बेकारी का ख्याल करते हुए हर महीने उसे 250 के चेक भेजती रही और जालिम और बदचलन शौहर बीवी की यह दौलत अपनी आवारगियों के लिए इस्तेमाल करता रहा। ये रही उसकी आवारगी की एक छोटी सी मिसाल। तो इसीलिए तस्वीर खिंचवाई थी मुझसे। अबे अगर मुझे बुलाया गवाही के अंदर तो मैं जाने वाला नहीं, बोल देता हूँ। बिगड़ते क्यों, अभी छोड़ो ना। अनीता प्रीतम कुमार हाजिर है। आपका नाम? अनीता प्रीतम कुमार। आप मेरे साथ कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के बगैर कुछ भी ना कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के बगैर कुछ भी नहीं कहूंगी। मिसेस प्रीतम कुमार, शादी से पहले आप प्रीतम कुमार को जानती थी? जी हाँ। कैसे जानती थी आप उसे? 2-4 बार हमारी मुलाकातें हुई थी। आपकी ये मुलाकातें कहाँ हुई थी? पार्क में और सिनेमा में। इन मुलाकातों के वक्त आप दोनों तरह थे या आपके साथ कोई और भी था? और कोई नहीं था। तो इस तन्हाई का फायदा उठाते हुए मोहब्बत की शुरुआत आप दोनों में से पहले किसने की थी? जवाब दीजिए मिसेस प्रीतम कुमार, आपका जवाब देना बहुत जरूरी है। अपनी मोहब्बत पहले किसने जाहिर की? प्रीतम। और वही प्रीतम जो शादी से पहले आपसे मोहब्बत के कौल करार करता रहा, शादी के दिन ही आपको ठुकरा कर चला गया, क्या यह ठीक है? हाँ। और क्या यह भी ठीक है कि आप चालक होने के बाद वो दूसरी लड़कियों के साथ बदचलने की जिंदगी गुजारता रहा? आप उसके चाल चलन के बारे में क्या जानती हैं? जवाब दीजिए मुझे। आपने ये तस्वीर पहले भी कभी देखी है? That's all, my lord. मैडम अभी हमारा बारी आने वाला है। मैंने कहा ना यहाँ से बात मत कर। तुम यहाँ बात नहीं करेंगे तो हम उस पिंजरे में बात नहीं करेंगे। हाँ, मेरे को अभी मांगता है। लो उधार। लिली डी सिल्वा हाजिर है। ये सर, एक्सक्यूज मी। आपका नाम? वो चपरासी इतना गला फाड़ के मेरा नाम पुकारता था, तुम नहीं सुना? ऑर्डर ऑर्डर। सवाल का ठीक ठीक जवाब दीजिए, बताइए नाम, बताइए अपना। लिली डी सिल्वा। आप इस बार हाथ तक कहिए, जो कुछ मैं कहूंगी सच कहूंगी
और सच के बगैर कुछ ना कहूंगी। जो कुछ भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे और सच के बगैर कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो कैसा है? मिसेज डिसिल्वा, उस शख्स को पहचानती हैं आप? तुम्हें कितना सिली सवाल करते हैं मैन, वो 10 महीने से मेरा गेस्ट हाउस में रहता है और उसी को नहीं पहचानेगा। मिसेज डिसिल्वा, यह अदालत है, तमीज से बात कीजिएगा। मिसेज डिसिल्वा, पिछले महीने की 2 तारीख को रात के 11 बजे क्या हुआ? हम सुई लेके हमारा जंपा सीधा था और मेरा बुढ़ा ये बाजू में बैठा था। हम उसको बोला तुम अपना सफेद तो गंदा है। ये भूल जाइए कि आप क्या बोली, ये बतलाइए कि आपने क्या देखा और क्या सुना। वही तो बोलते हैं मैन, हम सुना प्रीतम के रूम से लड़की लोग का आवाज आता है और मेरा बुढ़ा बोलता है मेरा आवाज है। आपने क्या किया? हम जाके दरवाजे को खटखटाया। सॉरी, फिर क्या हुआ? बोलते है ना, जोनी ने दरवाजा खोला और बोला। चलिए, आपके खटखटाने के कितनी देर बाद दरवाजा खोला? पूरे 5 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला। तब आपने कमरे में क्या देखा? हम खाली जोनी को देख पाया, बाकी सब अंधेरा था और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि छोकरी लोग अंदर था ना। ये आप कैसे कह सकती हैं कि कमरे में लड़कियां थी? तुमको क्या मालूम, उधर से फिर खुसुर खुसुर की आवाज आया और हमको गुस्सा आ गया, हम एक ही हाथ में दरवाजा तोड़ डाला। सॉरी, हम क्या देखते हैं, माय गॉड, अंदर प्रीतम साहब 2 लड़की लेके बैठा है, एक ये बाजू और एक ये बाजू। That's all, my lord. नहीं नहीं, तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया, उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना। दारू का मिला दारू का। ऑर्डर ऑर्डर, आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए। प्रीत कुमार हाजिर है। मैं सब समझता हूँ। मिस्टर प्रीतम कुमार, इस मुकदमे के लिए आपने कोई वकील किया है? नो मी लॉर्ड। आपके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मी लॉर्ड, मैं मुद्दालय से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मिस्टर प्रीतम कुमार, क्या ये सच है कि शादी से पहले आप बेकार थे? जी हाँ, बदकिस्मती से। तो उस जमाने में आपकी गुजर कैसे होती थी? अपने दोस्त की कमाई पर। यानी आप सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हैं जो खुद कमाने की तकलीफ नहीं उठाते बल्कि दूसरों को अपनी खुदगर्जी का शिकार बनाते? जी नहीं, मैं सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हूँ जो पैसा हासिल करने के लिए दूसरों को अपना शिकार नहीं बनाते बल्कि अपने दोस्त से मदद लेना बेहतर समझते। तो मतलब ये कि जिस जमाने में आपने शादी की तब आपको आमदनी के किसी दूसरे जरिए की तलाश थी? जी हाँ, और मैंने आमदनी का वो जरिया इस शादी में पाया। मिस्टर प्रीतम कुमार, ये अदालत है, जरा सलीके से खड़े रहना सीखिए। देखिए नहीं, सवाल पूछिए। तो क्या आप कबूल करते हैं कि आपने ये शादी पैसों के लिए की? ये सब झूठ है, इसे क्या हो गया, ये बोलता क्यों नहीं है? तो सच बात तुम ही बता दो ना। मिस्टर प्रीतम कुमार, शादी के बाद आपने बात चलने की है या नहीं? पहले ये बताइए कि आप जैसे समाज के ठेकेदार बदचलनी किसे कहते हैं? बदचलनी ये है। जी नहीं, ये तो फोटो है। इस फोटो में जो लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं, क्या वो शरीफ लड़कियां हैं? जी हाँ, इस वक्त जितनी भी औरतें यहाँ मौजूद हैं वो लड़कियां इन औरतों से कुछ कम शरीफ नहीं है। मैडम, वो गाली देता है ऐसी लड़कियों को जो कि चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत व आबरू बर्बाद कर देती हैं, क्या आप शरीफ कहेंगे? अगर कुछ लोग लाखों रुपयों के लिए दूसरों की इज्जत बर्बाद करने के बाद भी शरीफ कहला सकते हैं तो फिर ये लड़कियां शरीफ क्यों नहीं? आपकी इन शरीफ लड़कियों पर अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने? जवाब दीजिए मुझे, अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने? That's all, my lord. अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अरे वो देखो अनिता आई। अरे अरे मैंने कहा मैं हूँ नए जमाने का रिपोर्टर, आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ। किसकी गलती से इस तलाक की वजह पैदा हुई, अनीता की या? क्या कह रहे हैं आप, शुक्रवार प्रीतम है? हाँ हाँ, ये औरतों की इज्जत का सवाल है, ये तलाक मंजूर होनी चाहिए। आए, 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 आए,
अरे यार आज तो गाड़ी में कमाल हो गया, एक अपने से भी डबल फेंकू मिल गया। कहने लगा मेरी औरत रुपए की जगह आठ आने खर्चा करती है। मैंने कहा मेरी औरत रुपए की जगह चार आने खर्चा करती है, हालांकि अपनी है ही नहीं तो घबराया। मैं कहने लगा कैसे, मैंने कहा तू बता कैसे। तो कहने लगा कि मान लो उसने एक रुपए का पंखा लिया तो वो उसके दो हिस्से कर देती है, छह महीना एक को वापरती है और छह महीना दूसरे को वापरती है। मैंने कहा मेरी औरत वही पंखा दो साल चलाती है। कहने लगा कैसे, मैंने कहा वो पंखा पकड़ती है और पंखा नहीं हिलाती, ऐसे मुंडी हिला लेती है। तुम हंसे नहीं यार? ज्यादा हंसे नहीं। क्या हर वक्त इंसल्ट कर देते हो, दो पैसे की माचिस क्या मांगते हो, जान मांगो हाजिर है तुम्हारे लिए। नहीं प्यारे, बहुत मुंडा है तुझे, अब नहीं मुंडेगे। जानी मैंने तेरे कितने पैसे देने हैं? 75 ना। अरे अभी हिसाब किताब छोड़ो ना, बाद में देखेंगे, अभी रहने दो ना भाई। नहीं यार तो रख ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्यों? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। कल? एक बार बादशाहों के बनाए हुए शहर में पहुंचकर सौदागरों की नगरी में कौन लौटता है? यार तेरी एक बात अपनी समझ में नहीं आई। माना कि किसी को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाए रखना ठीक नहीं है, पर उन लोगों को वो तस्वीर देकर अदालत में अपनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? प्यारे दिल वाले हर काम दरिया दिली से किया करते हैं। अगर किसी को खुश करना ही है उसमें कोई कसर क्यों रहेगी? तू कुछ भी कह, अपने को यकीन नहीं आता कि अनिता इसमें खुश है। उसने अदालत में जो दो एक नजर तेरी तरफ फेंकी थी ना, वाकई दर्दीली थी। अनिता आई उस तरफ है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अगर आप मेरा नाम भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ। मुझे याद है। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि मैं प्रीतम का दोस्त हूँ। तो प्रीतम के बारे में बात करने आई। प्रीतम के बारे में कौन गधा बात करता है? प्रीतम को मारो गोली, मैं तो मौसम के बारे में बात कर रहा था। देखिए ना कैसा हसीन मौसम है ना। हाँ, ऐसे मौसम में तो हर एक को अपने पार्टनर की याद आती होगी। हाँ वो देखिए ना क्या देखा? ये चमकता क्यों है? मालूम नहीं। मालूम? अरे जब मिसेस जुगनू मिस्टर जुगनू को बुलाती है तो सिग्नल देती है। हाँ लेकिन हम लोगों में उल्टा ही दस्तूर है, अगर मिस्टर पास जाना भी चाहे तो भी मिसेस दूर भागती है। क्यों ना भागे,
मिस्टर जुगनू मिसेस जुगनू को छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनमें आपस में बड़ा भरोसा होता है। हम लोगों की तरह वो छोटी मोटी बातों पर शक नहीं करते। उस तस्वीर को आप छोटी मोटी बात कहते हैं? कौन गधा कहता है कि छोटी मोटी बात थी भाई। प्रीतम के लिए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। ये बदनामी उसने सिर्फ इसलिए ली कि आपको तलाक में आसानी हो। आंटी तो कहती थी कि ये तस्वीर उन्हें एक लड़की दे गई थी। आपकी आंटी तो चश्मा लगाते हुए भी कम देखती हैं। प्रीतम ने अपने हाथ से वो तस्वीर आपकी आंटी को दी थी और साथ में वो सारे चेक भी। मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा। मैंने खुद अपने हाथ से वो तस्वीर उतारी थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं नेगेटिव लाके दिखा दूं। अनिता, वकील साहब कह रहे थे कल तुम्हें तलाक मिल जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अनिता, कल तुम पूरा आजाद हो जाओगी। आप तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश। तो मुझे भी खुश होना चाहिए। क्या मतलब? यही तो करती रही हूँ जिंदगी भर, हर काम आपकी खुशी के लिए। इसलिए कि उसमें तुम्हारी भी खुशी और बेहतरी है अनिता। प्रीतम वो सारे चेक वापस कर गया, तस्वीर भी वो खुद ही दे गया। ये सब मुझसे छुपाना शायद मेरी ही बेहतरी के लिए था। समझी, तो तुम प्रीतम से मिली थी? अभी तक नहीं गई, अब जा रही हूँ। पागल ना बनो अनिता, मामला कचहरी तक पहुंच चुका है, अखबारों में इस तरह के चर्चे हो रहे हैं। अब तुम पीछे हटी तो जरा सोचो तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। आपकी इज्जत बनी रहे चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप जो कुछ भी करती है अपने मतलब के लिए करती है। लीडर बनती अपनी इज्जत के लिए, अपने बेटों के ख्याल लोगों पर लादा करती है वो भी अपनी इज्जत के लिए। मेरे ख्याल औरतों की बेहतरी के लिए, तजुर्बे ने मुझे सब कुछ सिखाया। तू अपना तजुर्बा कुछ और बढ़ाइए। स्टेज पर खड़े होकर लेक्चर देने की बजाय जिन मामूली दर्जे के लोगों को देख आप नाक भौं सिकोड़ा करती हैं, उनके घर में जाइए और देखिए कि हिंदुस्तानी औरत घर बसा करके सुखी हो सकती है। वो जाहिल औरतें गुलामी को ही सुख समझती है। वो क्या जाने की आजादी क्या चीज होती है। उन्हें आजाद रहना मैं सिखाऊंगी, जो कि मैंने अमेरिका और यूरोप की औरतों से सीखा है। उनसे और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वहां के मौसमों की तरह बरस में चार बार पति बदलना भी उन्हीं से सीखा जा सकता है। अगर कोई गंवार लड़की ये बात कहती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन ताज्जुब तो ये है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की उस गुलामी के गुनगा रही है। अगर अपने घर के काम काज में सुख पाना अपने घर वालों को खुश रखने का नाम गुलामी है तो हजार बार मैं ऐसी गुलामी के गुनगाऊंगी जिस गुलामी में पति पत्नी के बीच प्रेम है, एक दूसरे की कद्र है, एक दूसरे की खुशी का ख्याल है। वो आपकी ऐसी आजादी से कहीं बेहतर है जिसमें मर्दों की नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। आप तो मुझे सुखी देखना चाहती थी, मैंने अपना सुख ढूंढ लिया, फिर आपको क्या गम हो सकता है? गम तो मुझे उस दिन होगा जब तुम ठोकर खाने के बाद रोती बिलखती मेरे पास आओगी, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। आप फिक्र ना करें, मैं जिंदगी भर आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। रोक देखिए मुझे तो तुम अपनी जिद पूरी करके रहोगी? बिल्कुल। अच्छा तो कर लो पूरी। आंटी 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 प्लेन कब जा रहा है? 8:30 और 9 बजे। कैन आई हैव अ टिकट प्लीज? थैंक यू।
चलो जल्दी चलो। हवाई अड्डे पर दिल्ली जा रहा है। तो फिर जल्दी चलो ना। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। प्लेन से नहीं भाई, मेरा प्लेन तो आधे घंटे के बाद जाने वाला है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कौन होते मुझे छोड़ के जाने वाले? समझ से काम लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कि बड़े बदतमीज शौहर अपनी बीवी को छोड़ के भागे जा रहे। शौहर यानी तलाक का मुकदमा खत्म। चलो जल्दी से कोर्ट चलते हैं।
बहुत अच्छे। अरे हम भी इधर खड़े का चले का आप अदालत आओ हम भी चले। कहाँ अदालत? अरे अदालत कौन गधेड़ा जाता है। ओ आई एम सॉरी, अपन लोग तो वहाँ जाएंगे ना। ए भाई जरा मुँह उधर, थोड़ा प्राइवेट है। ए देखो रजिस्ट्रार या गिरजा? गिरजा। मुँह उधर। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। मैं कहता हूँ रजिस्ट्रार। देख मैं गिर जाऊंगा। अरे अरे गिर जाओ। रजिस्ट्रार के चक्कर में तेरी भी गई मेरी भी गई।